अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूँगी। बाज़ार में मिलने वाली आइसक्रीम जैसे आइसक्रीम हम घर में भी बना सकते हैं, तो क्यों ना आइसक्रीम आज हम घर में बनाएं। तो देखते हैं मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम आम। ये मैंने केसरी आम लिया है, आप अपने पसंद का आम ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसे हम कट करेंगे इस तरह। इस तरह कट करने से बहुत ही आसानी से आप बल्ब इसका निकाल सकते हैं। अब तीनों आम का बल्ब हम इसी तरह निकाल लेंगे कट करके एक बोल में। पीसेस करने के बाद एक चम्मच की मदद से हम सारे आम के पीसेस एक बोल में निकाल लेंगे। अब आम के पल्प को मिक्सी जार में फाइन पीस लेंगे। मैंगो प्यूरी बनके तैयार है। अब हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे, उसमें बर्फ डालेंगे। उस पर एक छोटा बॉल रख के उसमें एक कप व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। एकदम ठंडी व्हिपिंग क्रीम हमने इस्तेमाल की है और बॉल भी ठंडा है। अब एक विस्क लेंगे और अच्छे से बीट कर लेंगे। देखिए क्रीम कैसी गाढ़ी हो रही है। इसे हम तब तक फेंटेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट पिक्स ना हो जाए। व्हिपिंग क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है, तो हम इसका आधी क्वांटिटी में शक्कर लेंगे। शक्कर मैंने पीस ली है। अब थोड़ा सा विस्क करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब हम एक कप फ्रेश क्रीम लेंगे और इसका जो दूध है वो निकाल लेंगे और क्रीम बॉल में डाल के व्हिपिंग क्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम आधा कप मिल्क मेड लेंगे, इससे हमारी आइसक्रीम क्रीमी बनेगी। ये होममेड मिल्क मेड है। मिल्क मेड ऐड करके अच्छे से विक्स कर लेंगे। मिल्क मेड की रेसिपी हमने चैनल पे अपलोड की है। अब हम इसमें जो मैंगो प्यूरी बनाए थे वो ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 ड्रॉप मैंगो फूड कलर लेंगे, इससे आइसक्रीम में अच्छा कलर आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंगो का एक पीस लेंगे और उसके छोटे छोटे कट लगाकर बिल्कुल इस तरह बारीक बारीक छोटे छोटे कट लगाएंगे। देखिए इस तरह एकदम करीब करीब में। तो एक चम्मच की मदद से इसे हल्के हाथ से निकालेंगे ऊपर ऊपर से। बहुत अच्छे लगते हैं ये चंक्स आइसक्रीम के अंदर। इसे हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे क्योंकि आम के पीस कहीं टूट ना जाए। हमने जो मिक्सचर तैयार किया था उसे एक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे थोड़ा फ्लैट कर देंगे। आइसक्रीम को जमाने के लिए एयर टाइट कंटेनर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और हमारी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनने वाली है। टैप करेंगे। हमने ऊपर से मैंगो पल्प डाल दिया है।
अब बारबेक्यू स्टिक की मदद से हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहो तो नट्स, बादाम, पिस्ता गार्निश कर सकते हो या मैंगो के पीसेस से भी गार्निश कर सकते हो। इस पर बटर पेपर लगाना चाहिए पर मेरे पास है नहीं, तो मैं इस पर क्लीन प्लास्टिक शीट लगा रही हूँ। प्लास्टिक शीट लगाने से इस पर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। ऊपर से मैं इस पर फॉइल पेपर से भी रैप कर रही हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा जाने के चांसेस ना हो। इसी बैटर से हम कप आइसक्रीम भी बनाएंगे। एक कप लेके उसमें हम ये बैटर डालेंगे। कप के ऊपर प्लास्टिक शीट लगा देंगे। कप को भी सिल्वर फॉइल से रैप कर देंगे। अच्छे से पैक करने के बाद 10 से 12 घंटे फ्रिजर में रख देंगे या फिर ओवरनाइट फ्रिजर में रख देंगे। इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिजर में रख दिया था। बहुत ही शानदार आइसक्रीम बनी है हमारी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है आइसक्रीम, बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं है। हमारी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी और यम्मी लग रही है। अब हम इसे सर्व करेंगे। थोड़े से मैंगो चंक्स से हम गार्निश करेंगे। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालेंगे। कुछ चेरी के पीसेस से हम गार्निश करेंगे। ऊपर से थोड़ी सी मैंगो प्यूरी डालेंगे। इसमें मैंगो का टेस्ट दुगना हो जाए। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी। यम्मी, बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनी है हमारी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मैंगो आइसक्रीम रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।